इन छिलकों का यूज़ हम एक तरीके से नहीं बल्कि कई तरीके से कर सकते हैं। इनको हम कभी भी नहीं फेंकेंगे और अपने जो जो भी जिन लोगों को गार्डनिंग का शौक है इन तरीके की चीज़ों का, और ख़ास तौर से जो लोग सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में डालना चाहते हैं, तो उनके लिए इस तरह की चीज़ें जो है बहुत ही बिल्कुल रामबाण की तरह काम करती हैं और ये किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र से कम नहीं होती हैं अगर हम इसका सही तरीके से और बिल्कुल समय समय पर सही इंटरवल पर इनका प्रयोग करें तो ये बहुत अच्छी तरीके से काम करती हैं। तो इस मटर के छिलके को भी हम दो तीन तरीके से यूज़ करेंगे। तो पहला तरीका है इसका हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएंगे। सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिशन है वो लिक्विड में निकल के आता है। तो देखिए ये मैंने 1 लीटर में ये बना के रखा हुआ है, ये कल रात को मैंने बनाया था और इसको बनाने का मैं तरीका आपको बता भी देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये लगभग 1.5 लीटर के करीब की मेरी कैन है, इसमें मैं पानी भर लूंगी। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइजर बनाना चाहते हैं तो देखिए ये लगभग 1 लीटर के या 1.5 लीटर के करीब मैंने पानी डाल लिया है। और फ्रेंड्स अगर आपके पास बहुत सारे छिलके हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में आप बनाना चाह रहे हैं तो आप इसकी क्वांटिटी कितनी भी ज़्यादा कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक बनाने का मेथड बता रही हूँ कि किस तरह। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इस केन को पूरा भर दिया है, लगभग 2 लीटर के करीब इसमें पानी आ गया है और जितने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें छिलके आ सकते थे मैंने डाल दिए हैं। अब इसमें एक चीज़ और मैं डालूंगी, देखिए 2 लीटर में कितना छोटा सा मैंने बिल्कुल छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लिया है, इसकी क्वांटिटी बिल्कुल कम ही रखनी है। गुड़ में हमारे पौधों को देने के लिए बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये हमारे प्लांट्स के अंदर एक नई जान डाल देते हैं। बस ध्यान इतना रखना है इसकी क्वांटिटी बिल्कुल हमें कम रखनी है क्योंकि जो है सर्दियों के मौसम में पानी जल्दी सूखता नहीं है, लेकिन डालने से बिल्कुल डरना नहीं है, ये फ़ायदा बहुत करता है। बस इसकी क्वांटिटी बिल्कुल ध्यान में रखनी है। देखिए बिल्कुल 1 इंच का टुकड़ा मैं 2-2.5 लीटर के करीब पानी में मैं इसमें डाल दूंगी और अब मैं इसे किसी स्टिक की सहायता से अच्छी तरह से हिला दूंगी सभी चीज़ों को। और इसको लगभग फ्रेंड्स मैं 24 घंटे के लिए, चाहे तो आप 2 दिन के लिए भी इसको रख सकते हैं। ये मैंने पहले तैयार करके रखा हुआ है, ये इसको मैं आज दे दूंगी। बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसका कलर देखिए ग्रीन कलर का हो गया है। अब इसे मैं सभी प्लांट्स में दे दूंगी और ये मैंने आपको तैयार करके दिखाया है। फ्रेंड्स अगर आप इसे 2 दिन से ज़्यादा रखते हैं फर्मेंट होने के लिए तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर ज़्यादा दिन के लिए रख रहे हैं तो फर्मेंटेशन में एक एसिड बनना लग जाता है, तब इसकी जो क्वांटिटी है आप 1:1 कर दें, जितना आप ये वाला पानी लेंगे उतना ही सादा पानी भी इसमें मिलाएं। लेकिन अगर आप सिर्फ 1-2 दिन के लिए रख रहे हैं, 2 दिन के लिए रख रहे हैं तो आप डायरेक्टली भी इसको पानी में ऐसे ही डाल सकते हैं, छानने की भी जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही डाल सकते हैं। आप किसी भी प्लांट में इसी तरीके से डाल सकते हैं। इस लिक्विड फर्टिलाइजर को डालने से फ्रेंड्स आपके पौधों में जो पत्तियां कभी कभी मुड़ी मुड़ी नज़र आती हैं या फिर वो बिल्कुल बेजान सी नज़र आती हैं, उनमें कोई चमक नहीं होती और ग्रीन कलर भी मतलब बिल्कुल चमकता नहीं है, तो आप इस तरह के जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अगर अपने प्लांट्स को देंगे तो आपकी पत्तियों में देखिए चमक कितनी बढ़िया निकल के आएगी और ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इनमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स अपने आप ही मिल जाते हैं, तो आप इन तरह की चीज़ों का यूज़ ज़रूर करें। अब मैं इसका दूसरा तरीका आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। इसको यूज़ करने का दूसरा और जो सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है वो लगता है कि जब भी हम किसी प्लांट को रिपोर्ट करते हैं, जैसे मुझे इस गमले में एक प्लांट रिपोर्ट करना है, ये वाला मैं प्लांट्स लेके आई हूँ, तो इसमें अगर मुझे रिपोर्ट करना है तो सबसे पहले मैं इसमें इसकी एक मोटी सी लेयर इसकी लगा दूँगी। सबसे पहले नीचे में गमले में इसको भर दूँगी, जितना भी ये मेरे पास जितना भी छिलके हैं, केले के छिलके हैं या फिर मटर के छिलके हैं, इसको मैं भर दूंगी। और फ्रेंड्स इसके ऊपर से जो है फिर मैं इसके ऊपर जो है मिट्टी डाल दूंगी, ये जो मिट्टी है मैं इसके ऊपर से डालूंगी। और जब ये इसके ऊपर से मुझे जो भी प्लांट लगाना है, अब ये नीचे रह गए गमले और इसके ऊपर मिट्टी है और मिट्टी में आप जानते हैं कि बहुत सारे जो माइक्रोब्स होते हैं वो किसी भी चीज़ का डिकम्पोजिशन कर देते हैं। कोई भी चीज़ जो है अगर हम मिट्टी में दबा दें तो उसका डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है और उसके जितने भी फायदे हैं वो इसमें मिल जाते हैं। देखिए मैंने इसमें दबा दिया है और अब ये जो मिट्टी तैयार हुई है इसके ऊपर मैं कोई भी अपना प्लांट, ये वाला प्लांट मैं पॉलीथीन में से निकाल कर इसमें सेट करके अच्छी तरह से इसकी ऊँचाई देख कर और इसकी रूट ये खाली करूँगी मिट्टी और इसमें मैं लगाऊँगी और ये मेरा गमला बिल्कुल तैयार होगा। फ्रेंड्स इसको करने का फ़ायदा ये है कि अगर आप कुछ समय तक अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र डालना नहीं भी डाल पाते किसी वजह से, तो अगर इस तरह से आपने मिट्टी तैयार की है तो आपकी प्लांट्स की जड़ को अपने आप ही जो है फर्टिलाइज़र मिलता रहेगा। धीरे धीरे ये जो है पत्ते जो हैं जो छिलके हैं अपने आप मिट्टी में डिकम्पोज हो जाएंगे और आप देखेंगे नोट करेंगे कि देखिए मटर के छिलके जो होते हैं इनको हम तोड़ेंगे ऐसे करेंगे मसलेंगे तो देखिए बिल्कुल पानी जैसे होते हैं, इनके अंदर ये फ्लैशी फ्लैशी होते हैं और एकदम पानी पानी सा देखो एकदम सा हाथ से ही टूट जाते हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लगभग 20-25 दिन में ही एकदम से घुल मिल जाएंगे हमारी मिट्टी में और मिट्टी जैसे ही बन जाएंगे।
और इसके कलर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें कितने सारे मिनरल्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन वगैरह मिलेंगे। जितनी ज़्यादा फ्रेंड्स हमारी जो पत्तियाँ या सब्जियाँ कलरफुल होती हैं उसमें उतने ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जितनी ज़्यादा कलरफुल चीज़ें होंगी उसमें उतने ज़्यादा ही न्यूट्रिएंट्स हमें मिलेंगे। और बिल्कुल देखिए, हाथ से ये सारा का सारा पानी है हाथ में आ गया है, और अगर ये मिट्टी में दबा देंगे तो ये 15-20 दिन में बिल्कुल मिट्टी जैसे बन जाएंगे और हमारे जो प्लांट्स को है भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स देंगे। अब फ्रेंड्स बात करते हैं तीसरे मेथड की। तीसरे मेथड में फ्रेंड्स हम कर सकते हैं, जैसे गर्मियों के समय में बहुत तेज़ धूप पड़ती है हमारे प्लांट्स के ऊपर, सारे प्लांट्स हम इंडोर में नहीं रख सकते, तो बहुत तेज़ जब धूप होती है तो ये मल्चिंग के बहुत अच्छी तरह काम आते हैं। जैसे कोई भी प्लांट है आप इसकी मल्चिंग कर सकते हैं, इस तरह से लगा दीजिए। हम अपने जो सारे प्लांट्स हैं बहुत ज़्यादा जब हीट पड़ती है सभी की हम मल्चिंग करते हैं किसी ना किसी तरीके से, कभी नारियल के छिलकों से, कभी सूखे पत्तों से मल्चिंग हम करते ही हैं। तो अगर आप इस तरह के छिलकों से मल्चिंग करेंगे, अब आप फ्रेंड्स पूछेंगे कि ये गर्मियों तक छिलके कैसे बचेंगे, तो बिल्कुल सही बात है, इसको हम ड्राई करके रख सकते हैं फ्रेंड्स। जितने भी हमारे सर्दी भर में जो छिलके आते हैं मटर के, उनको हम सुखा लेंगे, बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं और इसमें कोई भी फंगस कुछ भी नहीं लगता। सूखे हुए छिलके आप एक पॉलीथिन में किसी भी जगह स्टोर करके रख लीजिए, और जब ज़्यादा हीट पड़ती है तो अपने सूखे हुए जो मटर के छिलके हैं उनकी इस तरह से मल्चिंग करके लगा दीजिए, और इसका फ़ायदा भी होगा फ्रेंड्स। खाली मल्चिंग ही नहीं होगी, हीट से नहीं बचेंगे। जब भी आप अपने प्लांट्स में पानी देंगे तो पानी के साथ साथ इसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी मिट्टी में जाते जाएंगे और हमारे प्लांट्स को फ़ायदा ही करेंगे। तो इनकी मल्चिंग करना भी बहुत ही अच्छा रहता है। ये बिल्कुल सूख के वाइट कलर के हो जाते हैं, बिल्कुल सूख जाते हैं, बिल्कुल पत्ते की तरह बन जाते हैं, और इनको स्टोर करके रख लीजिए, बिल्कुल फ्री की चीज़ है। और गर्मियों में आप इनकी मल्चिंग भी कर सकते हैं जब ज़्यादा हीट पड़ती है, और जैसे जैसे आप पानी डालते जाएंगे इनके न्यूट्रिएंट्स हमारी मिट्टी में मिलते चले जाएंगे। अब फ्रेंड्स बात करते हैं तीसरे मेथड की। तीसरे मेथड में है फ्रेंड, जैसे आजकल हमारे देसी गुड़हल के पौधे हैं, आजकल वो डोरमेंसी में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको ज़िंदा रहने के लिए थोड़े बहुत न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती ही है। तो जैसे हमारे कोई बड़े गमले हैं, देसी गुड़हल हमेशा हम बड़े गमले में लगाते हैं, जैसे मेरा भी ये देसी गुड़हल है तो बड़े गमले में, काफ़ी बड़े गमले में लगा हुआ है। तो इसकी मिट्टी हम एक साइड खिसकाएंगे, इस तरह से आप खिसका दीजिए, और अपने कुछ छिलकों को या तो छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, और नहीं तो इसी तरीके से भी दबा देंगे। मैंने जैसा कि बताया है कि बहुत जल्दी डिकम्पोज होते हैं, इनके अंदर पानी भरा होता है, इस तरह से हमने गमले में कहीं कहीं पर गड्ढा करके इस तरह से इन जो है छिलकों को दबा दीजिए, और ये बहुत जल्दी से डिकम्पोज हो जाएंगे। इसी तरह आप चाहें तो इस तरह से अपने किनारे किनारे पर ऐसे गड्ढा कीजिए कहीं पर भी गमले में, और इन छिलकों को ऐसे दबा कर पूरे गमले के किनारे किनारे पर इसको ऐसे कवर कर दीजिए, और आप इसमें पानी डालेंगे तो साथ साथ ये इसमें इसका न्यूट्रिशन भी इनको मिलेगा। जब जब पानी देंगे इसमें इसका न्यूट्रिशन मिट्टी में जाएगा, और धीरे धीरे आप देखेंगे कुछ टाइम बाद आप देखेंगे तो ये आपको छिलके नज़र ही नहीं आएंगे, पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाएंगे, और आपकी जो मिट्टी की है सॉइल की जो उर्वरा शक्ति है उसको उपजाऊ बना देंगे। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों का आप इस्तेमाल ज़रूर करें फ्रेंड्स। हर चीज़ जो है काम की होती है, और जो लोग खासतौर से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पे ही अपने प्लांट्स को देखभाल करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ये बिल्कुल अमृत के समान होते हैं। इन चीज़ों को कभी भी वेस्ट ना करें। और फ्रेंड्स ये जानकारी अगर आपको मेरी अच्छी लगी हो आज के वीडियो की, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।